दोस्तों, यदि कभी आपको भविष्य में अपने लेंटर में जाल रखवाना हो तो उसके कैसे काटना होता है उसका प्रोसेस आज हम बताएंगे। हमारे एक मिस्त्री साहब आए हैं। अगर आप कानपुर देहात से कहीं भी बिलोंग करते हैं तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, पोखराया के पास रहते हैं। तो सबसे पहले जितना एरिया काटना होता है उसको आप ग्राइंडर से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे मार्किंग कर लेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा और इससे लगभग 3 इंच आपका अंदर तक लेंटर कट जाएगा। इसके बाद हैमर मशीन अभी हम दिखाएंगे उससे कैसे वर्क करना होता है। चालू करो, तुम चालू करो। तो ऐसे देखो, ये आपका चारों तरफ मार्क तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जो चारों तरफ से पहले मार्क बना लिया उसी को कटर मशीन जो होती है मिस्त्री खुद लेकर आएगा, उसे चारों तरफ 2.5 से 3 इंच का ब्लेड लगा होता है तो चारों तरफ उससे देखिए कि कट बना लेगा, मार्क बना लेगा। तो तोड़ते समय क्या होगा, जब आपकी छत काटी जाएगी हैमर मशीन से तो उससे इधर उधर नहीं भागे, वही उतना ही कटेगा जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना कटना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा मार्क लगा लीजिएगा, मैंने चारों तरफ लगा लिया है कि हमें 3x4 का काटना है, 4x3 का जो भी है, वो सारा एक लाइन से आपको एक स्क्वायर टाइप का बना लेना है। और मिस्त्री जो है वो देख सकते हैं आप कैसे कटर मशीन से लाइट से जो चलती है 2.5 से 3 इंच का चारों तरफ एक कट मार देगा तो हमारी एक बाउंड्री वॉल बन जाएगी कि हमें कितना लेंटर या छत को क्रैक या तोड़ना है। तो देखिएगा जो बाउंड्री वॉल बना रहा है आपके सामने, मैं सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। और ये देखिएगा चारों तरफ ये बनने वाला है, ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है। मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँगा पूरा प्रॉपर तरीके से। आप वीडियो देखिएगा, कटवाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होती है दोस्तों, क्योंकि लेंटर या छत काफ़ी बड़ा होता है। अब देखिए मार्क लगने के बाद हैमर मशीन से ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो अब वो हमारा मिस्त्री हैमर मशीन लेने गया, देख सकते हैं लगभग 2.5 से 3 इंच गहराई तक ये कटेगा, इसमें आपका सरिया नहीं कटेगा दोस्तों, सरिया सेफ रहता है। देखिए हैमर मशीन लेकर आए हैं और ये इन्होंने मार्क लगाना शुरू कर दिया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी हैमर मशीन होती है, ये लगातार हिट करती है वहाँ पर बहुत हल्के हल्के से, तो प्रॉपर तरीके से ये लेंटर छत टूटने लगता है, थोड़ा थोड़ा ही टूटता है, ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारे गिर जाए। बहुत देखिएगा अभी मैं प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा ही लेंटर आपका ये टूटता है। तो ये देखिएगा मार्किंग कर रहा है, आवाज़ आपको हो रही है, बहुत सारे शोर मच रहा होगा दोस्तों क्योंकि बहुत तेज़ मशीन चलती है। यहाँ पर जनरेटर से मैंने इस मशीन को चला दी, ये कट कर रहा है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा अभी प्रॉपर तरीके से कट कर देगा। देखिए मैं चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिएगा लगभग ये जो मैं लेंटर काट रहा हूँ 6 से 7 इंच मोटा है दोस्तों, 6 से 7 इंच मोटा है। और इससे जो लेंटर का या छत का सरिया होता है, जाल होता है, वो बिल्कुल टूटता नहीं है। तो आप उसे मत काटिएगा या मत तोड़िएगा, क्योंकि भविष्य में अगर आप कभी अगर बंद भी करना चाहते हैं ना इसे, तो उसी सरिया के नीचे से फिर से सेटरिंग लगा करके आप मसाला भर दीजिएगा तो आपका फिर से छत बन जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड होता तो जैसे मुझे पीछे एक जाल रखवाना था तो इस वजह से मुझे तोड़वाना पड़ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके देखिएगा, बहुत ही छोटी छोटी जो पत्थर का साइज होता है, जो गिट्टी कंक्रीट यूज होती है, उसी के बारीक बारीक बिल्कुल ब्रेक कर देता है। तो देख सकते हैं थोड़ा टूट चुका है, वैसे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ तोड़ दिया जाएगा, जो कट लगा था तो उससे बाहर भी नहीं जाएगा। तो ये देख सकते हैं सरिया दिखाई देने लगा है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम दोस्तों किया जाता है। तो अगर आप मिस्त्री से संपर्क करना चाहते हैं कानपुर देहात भर में दोस्तों ये काम कर सकते हैं, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ एक पोखराया कस्बा है, इसके आसपास ये रहते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर पर। तो इसका रेट वगैरह भी अगर आप जानना चाहते हैं, अलग अलग दोस्तों रेट पड़ता है कटवाने का, कोई मिस्त्री अलग लेता है, तो लगभग आप मानिएगा 3x3 का अगर जाल कटवाना है तो 1500 रुपये के आसपास का चार्ज लगता है। तो देख सकते हैं ये पूरा कट रहा है, अब मैं आपको तो दोस्तों देख सकते हैं कटने के बाद ये प्रॉपर इस तरीके का जाल आपका बन चुका है और इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारा वर्क करती हैं। तो अगर इसका आप अपने गांव या जहां पर भी घर बनवा रहे हैं, अगर आपको जाल रखवाना है किसी भी कारण, बस अपने लेंटर को छत जो होता है उसे कटवाना चाहते हैं, तो ऐसे कटवाया जा सकता है। और इसका रेट दोस्तों अलग अलग डिपेंड करता है, आपके शहर में रहते हैं अलग अलग स्क्वायर फीट में लगता है रेट। कटने के बाद दोस्तों ऐसा आपका पूरा प्रॉपर हो जाएगा, इसमें आप जाल भी रखवा सकते हैं